अग्रवाल कट के पास खाद्य सुरक्षा विभाग और तहसील प्रशासन की टीम ने सोमवार को गोदाम में छापा मारा। इस दौरान गोदाम में रखे करीब 20 लाख रुपए के नमकीन, बिस्किट, चिप्स और बेकरी उत्पाद को नष्ट कराया गया। साथ ही गोदाम को सील कर मालिक को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा अन्य कुछ जगहों पर भी जांच पड़ताल की गई है। एसडीएम दुर्गेश सिंह ने बताया कि क्षेत्र के काफी दुकानों पर एक्सपायरी वस्तु बिकने की जानकारी मिली है। छोटी छोटी दुकान और रेहड़ी पटरी पर इस तरह की चीजें बिक रही हैं, जिनको मजदूर और गरीब बस्ती के लोग खरीद रहे हैं। उसको लेकर इस जानकारी के मुताबिक इस संबंध में प्रशासन की टीम ने जांच पड़ताल की। दुकानदारों के माध्यम से गोदाम की जानकारी प्राप्त हुई। इसी के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मौके पर जाकर छापा मारा, जहां उन्हें एक्सपायरी डेट के फ्रूट केक, बिस्किट रस्क, नमकीन, चिप्स आदि के पैकेट और कुछ डब्बे बरामद हुए। प्रथम दृष्टया यही सामने आया है कि आरोपियों की ओर से खाद्य सामग्री को बिक्री करने का प्रयास किया जा रहा था। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त विनीत कुमार ने बताया कि अलग अलग चीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जबकि गई सामग्री को नष्ट कर दिया गया है और साथ ही गोदाम के मालिक से खाद्य सामग्री का बिल मांगा गया है। इसके बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह जानकारी मिली थी कि एक्सपायर्ड जो है यहाँ पर बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट और केक्स रखे हुए हैं। उसी क्रम में आज जो है फूड विभाग की और हमारे जो दोनों नायब तहसीलदार हैं सत्येंद्र और निरंजन, इनके द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए यहाँ पर एक छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें जितना भी प्रोडक्ट हमें गोदाम में मिला है सभी एक्सपायर डेट का ही है सारे प्रोडक्ट। पता चल पाया सर, प्राथमिक जांच में क्या उद्देश्य था इन सब चीजों को रखने का? इनका तो कुछ और ही कहना है। इनका तो कहना है कि पशु आहार के रूप में इसको यूज किया जा रहा था, लेकिन मौके पर जो परिस्थिति है उससे लग रहा है कि झूठी बोल रहे हैं और इनके द्वारा इसको विक्रय करने का ही प्रयास किया जा रहा है। सर, किसी प्रकार का सामान है सर, कितना होगा? प्रॉपर वैल्यूएशन तो भी जब बाहर सारे निकल जाएंगे तभी होगा, लेकिन अनुमान कर रहे हैं कि 20 से 25 लाख रुपए का सामान अंदर होगा। क्या क्या चीज है सर? जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट्स हैं, नमकीन हैं और रस्क है और भी कई सामान। क्या किया जाएगा सर इस सामान का? ये सारा सामान अभी हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। कार्रवाई सर? कार्रवाई है, इनके खिलाफ FIR करके जो भी आगे सर कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। हाँ, ये एक गोदाम है, इसको जो खुलवा के इसमें देखा गया है, इसमें बिस्किट, चिप्स, नमकीन आइटम्स और केक्स वगैरह पाए गए हैं। ये सारे एक्सपायर्ड हैं, एक्सपायर हुए एक साल से ज़्यादा तक भी हो चुका है और इन सब की जाँच के लिए भी सैंपल भेजे गए हैं। साथ में जितना माल है, क्योंकि ये सारा एक्सपायर्ड है, इन सबको डंप कराया जा रहा है। इसके साथ ही जो गोदाम मालिक है उससे भी पूछताछ कर बिलों की मांग की गई है कि ये बिल कंपनियों से एक्सपायर्ड के रूप में किस तरह से आए हैं। साथ ही ये पता चला है अभी कि आसपास के क्षेत्रों में जो गांव देहात है वहाँ इसको बेचने की तैयारी चल रही थी। सर, ये जानना चाहूँगा कि ये छापा कहाँ लगा है, कौन सी जगह है? देखिए, ये खुर्जा देहात का आउटर एरिया है और ये बाहरी देहात क्षेत्र में ही लग रहा है। सर, कितने का माल होगा ये? देखिए, अनुमानित कीमत जो भी पहले नज़र में 20 लाख से ज़्यादा ही इसकी बैटरी है, बाकी इसको अभी और चेक किया जा रहा है टोटल को।